Good morning, my dear students of 10th grade. This is your physics class. In this class, we will learn about electromotive force of a cell and factor affecting the EMF of a cell. First of all, what is a cell? अब हमने देखना है कि cell क्या होता है, ठीक है? Cell क्या होता है? This is cell, ठीक है? ये क्या हो गया? सेल, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है और ये इसका नेगेटिव पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. और यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ इसमें हमने सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है? ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, यहाँ से करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? सेल करते हैं. अब सेल का काम क्या होता है? सेल क्या करता है? सेल करता है, सेल provides electrical energy to all the circuit elements. Cell क्या करता है? Electrical energy provide करता है to all circuit elements, ठीक है? कैसे electrical energy provide करेगा? यहाँ पर electron क्या करता है? Move करता है. हमें पता है कि जो circuits में सिर्फ electrons move करते हैं, ठीक है? Electron आता है, cell से energy लेता है, जाता है, यहाँ पर resistance को बांट कर आ जाता है. Resistance, capacitor, LC, ठीक है? जो भी हमें inductions जो भी होते हैं, circuits होते हैं, जाता है, यहाँ से cell से energy लेता है, यहाँ पर बांट कर आ जाता है. Electrical energy to all the circuit, electron जाएगा, ठीक है? इससे सेल से एनर्जी लेगा, रेजिस्टेंस को दे देगा, फिर आ जाएगा, फिर सेल से एनर्जी लेगा, फिर रेजिस्टेंस को देगा, फिर वापस आ जाएगा, ठीक है? तो सेल क्या करता है? प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट, ठीक है? सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज. सेल चार्ज नहीं करता, ठीक है? ये बात ध्यान से सुनो. सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज. सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता. सेल का काम क्या है? वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, बांट कर आ जाता है, ठीक है? सेल ने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, बट चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता. वो सेल को एनर्जी देता है, सेल क्या करता है? जाकर बांट कर आ जाता है रेजिस्टेंस को, फिर वो आएगा बैग भर कर उसे एनर्जी देगा. सेल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन आता है, उसकी सेल से एनर्जी लेता है और बांट कर आ जाता है, ठीक है? तो सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता. सेल क्या करता है? प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल दी सर्किट एलिमेंट्स. अब सेल मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस विच फोर्स चार्ज इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द सर्किट, ठीक है? सेल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पढ़ा था ना हमने, जो एंड में उनके वायर के एंड में होता है डिफरेंस, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. सेल उसे मेंटेन करता है, ठीक है? वो चार्ज देगा, मींस उसे सेल चार्ज दे जाएगा, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा और इलेक्ट्रॉन जाकर बांट कर आ जाएगा. मींस वो क्या करेगा? मेंटेन करी जाएगा. सेल मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस विच फोर्स द चार्ज इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द सर्किट, ठीक है? उसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रखेगा. कैसे मेंटेन करेगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को चार्ज दे जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रेजिस्टेंस को देगा, ठीक है? कैपेसिटर को देगा, जो भी आपके सर्किट में हो उसे देगा, फिर आएगा सेल के पास, फिर उससे लेगा, फिर दे आएगा, ठीक है? ऐसे वो सर्किट को मेंटेन करता है, ठीक है? क्या करता है? प्रोवाइड मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रखता है, ठीक है? नेक्स्ट, अब इसके बीच की केमिस्ट्री का है, ठीक है? इसके बीच की क्या केमिस्ट्री है, उससे आपको ईएमएफ समझ आ जाएगा क्या होता है. सपोज कर लो आपके पास एक बीकर है, ठीक है? उसमें आपके पास सॉल्यूशन है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है? उसमें दो रॉड्स हैं जिनसे हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, ठीक है? एक इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है, एक कैथोड है, ठीक है? जो नेगेटिव होती है वो कैथोड होती है और जो पॉजिटिव होती है वो एनोड होती है, ठीक है? तो इसमें जो जिंक की प्लेट्स हैं, जब हम इसे सर्किट को सेल के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है, ईएमएफ इसी के सेल के साथ कंबाइन करेंगे, मींस इसे एनर्जी मिलने शुरू हो गई, फिर क्या होगा? सेल जो है वो अपनी, जब इसके साथ मेंटेन है तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होगा सॉल्यूशन में वो पॉजिटिव एनोड पर आना शुरू, जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? आ जाएगा यहाँ पर जमा हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो कैथोड के ऊपर चला जाएगा, ठीक है? जो मींस दोनों टर्मिनल्स पर एनोड और कैथोड पर, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो ठीक है, ऐसा होगा. ऐसे डिल्यूट सल्फ्यूरिक, ऐसे ही हमने पढ़ा है ना डेनियल सेल में और
वोल्टिक सेल होते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा होता है कि हम उसके बीच में दो इलेक्ट्रोड्स रख देते हैं। अगर हमने सॉल्यूशन को मींस हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को सेपरेट करना हो तो जो एनोड है उस पर नेगेटिव आयन आकर चिपक जाते हैं और जो कैथोड है उस पर पॉजिटिव आयन आकर चिपक जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो उसमें मीन्स वो टू इलेक्ट्रोड सेल इज क्रिएटेड बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, जब यहाँ पर आ गई तो दोनों के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, आ जाएगी, क्रिएट होना शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेटा होती क्या है, वे इलेक्ट्रोम द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट द कंडीशन इज when there is a open circuit, means when no current is drawn from a cell, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोई करंट नहीं लेकर जा रहा, तब उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वो है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, when no current is drawn from a cell, that is when the cell is in open circuit, the potential difference between the terminal of the cell is called electromotive force, ठीक है, उसके बीच का जो potential difference होगा उसे हम क्या बोलेंगे, electromotive force, but the condition is the circuit will be open, right। अब ये पढ़ोगे तो इसमें आप अगर रीड करोगे तो इसमें सब जो मैंने बताया वही लिखा होगा। लेट्स वी सी, द इलेक्ट्रिक सेल मेंटेन अ कांस्टेंट डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द टू कंडक्टर्स, दैट इज द इलेक्ट्रोड्स एंड और टर्मिनल्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, एक मेंटेन करता है कांस्टेंट डिफरेंस, ठीक है। मैंने कांस्टेंट टर्म तभी नहीं यूज़ करी क्योंकि वो पोटेंशियल कभी बढ़ता है कभी कम होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। Between the two conductors by a chemical reaction to obtain the continuous flow of charge between them. Thus the cell stores the chemical energy and it can be used as a source of current. ठीक है, सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी स्टोर करता है और फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसे एज अ सोर्स ऑफ करंट। द केमिकल एनर्जी चेंजेस इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैन द सेल इज इन यूज, वही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब सेल किसी यूज में आता है, ठीक है। इन फिगर 8.11 शोज एन इलेक्ट्रिक सेल हैविंग टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ वन ऑफ जिंक एंड अदर ऑफ कॉपर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोलाइट डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ किया डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, द इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव आयंस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के वाटर में पॉजिटिव आयन डिसोसिएट्स हो जाएंगे एंड नेगेटिव आयंस भी हो जाएंगे, दीज आयंस मूव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिव आयंस इम्पार्ट इलेक्ट्रॉन टू जिंक इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव आयन गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कॉपर इलेक्ट्रोड, दिस केमिकल रिएक्शन क्रिएट अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, ठीक है, जब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, दिस रिएक्शन क्रिएट अ डिफरेंस, वो एक डिफरेंस क्रिएट कर दे कि इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, एज अ रिजल्ट द जिंक इलेक्ट्रोड एक्वायर अ नेगेटिव पोटेंशियल, जिसकी वजह से जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो क्या एक्वायर करेगा, नेगेटिव पोटेंशियल, सो इट इज कॉल्ड कैथोड, उसे हम कैथोड बोलेंगे, एंड द कॉपर इलेक्ट्रोड एक्वायर्स अ पॉजिटिव टर्मिनल, सो इट इज कॉल्ड एनोड, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रो कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो केमिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के कारण जो उसमें डिफरेंस आया उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, उसी के कारण के उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज क्रिएटेड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, बट द कंडीशन इज द सर्किट इज ओपन, ठीक है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे इफेक्ट करते, अब नेक्स्ट देखो, द EMF ऑफ अ सेल इज जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल E, इलिप्सॉन, ठीक है, इसे E नहीं हम एलिप्सॉन बोलते हैं, इट्स यूनिट इज वोल्ट, इट कैन बी मेजर्ड बाय कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर ऑफ हायर रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेल, व्हेन सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सच एज बल्ब इज जॉइंट टू द टर्मिनल ऑफ द सेल, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड टू द कॉपर इलेक्ट्रोड, और फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम कॉपर टू जिंक, द फ्लो ऑफ द करंट फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट बिकॉज द EMF बिटवीन द टर्मिनल्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर द चेंज
फॉर द चार्ज टू फ्लो थ्रू द कंपोनेंट ज्वाइंट इन द सर्किट. ठीक है, जो करंट फ्लो होता है एक्सटर्नल में वो किसके कारण होता है, बिकॉज द ईएम बिटवीन द जो ईएमएफ होता है बिटवीन द टर्मिनल्स प्रोवाइड क्या करता है एनर्जी फॉर द चार्ज टू फ्लो थ्रू द कंपोनेंट ज्वाइंट इन द सर्किट. देयरफॉर द ईएम ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज. ईएमएफ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द एनर्जी स्पेंड पर यूनिट चार्ज. ठीक है, जो एनर्जी स्पेंड होती है पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल. ठीक है, द ईएम ऑफ अ सेल ईएमएफ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्पेंट, जो उसने एनर्जी स्पेंड की पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल. ठीक है, इफ डब्ल्यू इज द वर्क डन देन ई इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. इफ डब्ल्यू इज द वर्क डन एंड क्यू इज द टेस्ट चार्ज. ठीक है, उसने इसे मूव किया थ्रू कंप्लीट सर्किट, तो ई एम एफ इलिप्सन क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज. ठीक है, अब फैक्टर इफेक्टिंग द ई एम एफ ऑफ सेल. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं ई एम एफ को. द ई एम एफ ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, उसके मटेरियल पर डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के. द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन सेल, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा है. ठीक है, कौन से मटेरियल की इलेक्ट्रोड्स हम ले रहे हैं, कौन सा हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं. हाउ एवर इट इज़ डिपेंड द शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड. ठीक है, वो इलेक्ट्रोड्स की शेप पर भी डिपेंड करेगा कि उसकी शेप्स कैसी हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जिसके डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा. एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल, कितनी हम अमाउंट डाल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट की. ही ऑल फैक्टर्स हैं जिस पर ई एम ऑफ सेल डिपेंड करेगा. कौन कौन से हैं, मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट यूज इन सेल, और द शेप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल. दस द ई एम ऑफ EMF of a cell is its characteristic property. ठीक है, EMF क्या है, characteristic property है. It is different for different kinds of cells. ठीक है, ये different kind of cell के लिए different होता है. For example, the EMF of a voltaic cell is 1.08 volt. ठीक है, जो EMF होता है voltaic cell का वो कितना होता है, 1.08 volt. That is of Lenchel cell is 1.5 volt and of Daniell cell is 1.08 volt. ठीक है, different cell के लिए EMF क्या होता है, different होता है. Right, this is all about here the EMF means electromotive force. In the next top class we will discuss about terminal voltage or internal resistance. I hope you all understood. Thanks and have a nice day.